खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जिस उन्नाव का जिक्र आप रोज सुन रहे हैं, वो आज इस मकाम तक क्यों पहुंचा? क्यों एक परिवार के लोग एक एक कर मारे जा रहे हैं? क्यों एक बेटी के साथ रेप हुआ? क्यों रेप का मुकदमा लड़ने के कारण उसे मारने की ऐसी साजिश रची गई जो हादसा लग रही है? क्यों 2 साल से एक बेटी की फरियाद नहीं सुनी जा रही थी? देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अब सिस्टम जाग रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत सक्रिय हुई है बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और सबसे ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि क्या लखनऊ में चल रहा उन्नाव का मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, दोपहर 12 बजे तक कोई फैसला हो सकता है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने केस की डिटेल्स रखनी है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस समय सीबीआई की बैठक चल रही है। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में जाना है सीबीआई के संबंधित बड़े अधिकारी को, सीबीआई की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है, सीबीआई का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अदालत कह चुकी है कि मामले को दिल्ली शिफ्ट किया जाना चाहिए? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी है वो इस समय एक बैठक ले रहे हैं और उन्नाव रेप केस से संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी की डिटेल लखनऊ डिवीजन से मांगी गई है। सीबीआई के कालाधिकारी ने इस बारे में बताया है कि कुल 5 मुकदमे इस समय उन्नाव रेप केस से संबंधित सीबीआई में हैं, जिसमें से 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनमें कुछ मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और 1 मामला परसों दर्ज किया गया था। इन 5 मामलों की डिटेल मांगी जा रही है और इस पूरी डिटेल के साथ सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी संभवतः 12 बजे कोर्ट में पेश होंगे। तो क्या सीबीआई की तरफ से कहीं कोई एतराज तो नहीं जताया जाएगा अदालत की तरफ से, अगर कहा जाएगा कि मामले दिल्ली शिफ्ट कर दिए जाए तो? देखिए, जो मामला सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जो मामले कोर्ट में ऑलरेडी चार्जशीट किए जा चुके हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको दिल्ली भेजना चाहता है तो इस पर सीबीआई की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाएगी। साथ ही सीबीआई की तरफ से यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जहां चाहे जहां चाहे वहां मामले का ट्रायल करा सकता है और सीबीआई हर जगह कॉपरेट करने को तैयार है। साथ ही सीबीआई अभी 24 घंटों के दौरान सीबीआई ने क्या इस मामले में जांच की है वो भी कोर्ट को बताएगी। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी की तरफ से बताया जा रहा है कि सीबीआई की बैठक चल रही है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई ने मन बना लिया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, सीबीआई की तरफ से किसी तरीके का कोई एतराज अदालत के सामने नहीं रखा जाएगा। अगर अदालत ये फैसला लेती है कि उन्नाव की बेटी से जुड़े जितने मामले सीबीआई के पास है उन सबको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए।